भाई नमस्कार। नमस्कार भैया। तो अभी मछलियाँ दिखा रहे हैं? हाँ, इधर बताए थे कि सेट तैयार होते ही जैसे ही हमें थोड़ा गर्मी से राहत मिलता है, बीच में अगर समय मिलता है इन गायों से क्रॉस ब्रीड में, इस हफ्ता हमको थोड़ा रहा, वो गाय थोड़ा रही फार्म पे और भाई लोग देख लिए, तो इधर हम गुजरात निकल गए थे और ये कुछ बछड़िया लेके आए। 5 बछड़िया आज हमारे पास, तीन आज अभी आई हैं, 2 पहले आई थी। दो पहले ही है। हाँ, 5 बछड़िया जो है अपने पास, और टॉप क्वालिटी की बछड़ी हैं, फुल हाइट लेंथ की बछड़िया हैं सभी, जो है सभी बछड़िया हैं टॉप क्वालिटी की, एकदम काफी सुंदर दोनों का जोड़ा, प्योर जो है भावनगर ब्लड लाइन की बछड़िया है। कितनी होंगी दोनों? दोनों अभी उदंत है, लगभग 15-15 माह की बछड़िया है दोनों। हाँ, दोनों 15-15 माह की बछड़िया, चार सभी बछड़िया 4 थनों की हैं, कोई पांचवा थन नहीं होगा, एकदम साफ सुथरा जो है, आर्डर थन सब एकदम साफ सुथरा होंगे। अब ये देख सकते हैं पूरा जो है आगे से आर्डर लगता है, अभी ये सभी बेहतरीन साफ, नाभि, कंधा, गलकम्मल, कान एकदम बेहतरीन, सभी बेहतरीन होगा। बछड़ियों का उठा हुआ मत्था, सभी टॉप क्वालिटी की बछड़ियाँ हैं। तो अभी और अभी जो है ये 2 बछड़ियाँ जो है, 3 बछड़ियाँ जो है अभी प्रेग्नेंट नहीं हैं, लेकिन ये 2 बछड़ियाँ प्रेग्नेंट हैं। ये दोनों, ये जो है, ये उम्र में कितनी होंगी? ये भी जो है इसमें जो है एक बछिया जो है 2 दांत जमा रही है और बाकी एक उदंत है, एक उदंत और एक 2 दांत जमा रही है। इसका देखिए आप ऑर्डर देखिए, इसका थन ये देखिए, बिल्कुल थन काफ़ी बढ़िया, थन क्या खुल गई है ना, प्रेग्नेंट है, और ये भी बछड़ी बहुत अच्छी है। दोनों ऑर्डर से बहुत बेहतरीन जो है बनेगी, थन से हाँ दोनों जोड़े से आई थी ये, एक ही तरह है और ये दोनों साथ में, ये जोड़े में है, और ये तो काफ़ी सुंदर, ये देखें ये भी दूसरी टॉप क्वालिटी की है। तो कोई ले जाता है गाभिन मेरे ख्याल से? अभी ये तो मान के लिए अब 4-5 महीने में हो जाएंगी, अगर जो अच्छी सेवा कर लेता है तो ये 4-5 महीने में प्रेग्नेंट हो जाएंगी, साफ बछड़ियाँ हैं एकदम पीछे से, बहुत बेहतरीन है, सीधी और थन काफ़ी बढ़िया अभी से देखने को, एकदम शांत भी है पूरा, एकदम सीधी चारों थन एकदम जरूर लगे हुए, वो अभी सब तो छुड़ा दिए जाएंगे और दवा के माध्यम से। हाँ, क्वालिटीदार बछड़ियों में अभी से मिल्कवैन का निशान है, ये देखिए जो है अभी से निशान जो है ये देखिए ये बन रहा है बिल्कुल सीधी है, देखिए ऑर्डर देखिए, लग रहा है वैसे प्रेग्नेंट हो, ताकि अभी प्रेग्नेंट नहीं है, खोलने लगी यार कल, ताकि प्रेग्नेंट नहीं है अभी, अभी तो बच्ची है बिल्कुल, ये देखिए। और ये बछड़ी, ये भी एकदम शांत है, ये कितने महीने की? ये भी जो है अभी उदंत है, ये भी 15 माह की है, ये सबसे छोटी है, ये छोटी है, थोड़ा दुबली है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं इसमें भी। हाँ, ये भी अच्छी बछड़ी है। तो अभी बछड़ियाँ बराबर? हाँ, बछड़ियाँ आती रहेंगी, अब जो है इधर थोड़ा जगह की व्यवस्था हो गई है, बढ़िया ये सेट बन गया है, आगे पेड़ के नीचे भी जाल बना देंगे, ये भूसा और पुआल जैसे हटता है मिट्टी इसके नीचे आ जाएगी, और इसमें पूरे में जो है गिर का ही काम रहेगा, इधर गिर रहेगा, गिर आराम से थोड़ा धूप भी होती तो झेल लेती है, और उधर पीछे जो क्रॉस ब्रीड हो जाएगा आगे साहिवाल हो जाएगा, पर्याप्त जगह हो गई है, सभी तरह की गाय बराबर बनी रहेंगी। अपना आए फिर देखे कौन सी गाय लेनी है। वैसे तो हमने कहा था कि इधर जो है इधर कुछ कार्यक्रम थे, कार्यक्रम निपट जाने के बाद अपने पास जो है गाय बराबर फार्म पे मिलेगा, तो आज भी हमारे पास जो है गिर भी है, क्रॉस ब्रीड भी है, साहिवाल भी बहुत बेहतरीन बेहतरीन गाय हैं। आज लगभग 20+ गाय हैं हमारे पास, 20+ आदमी है, ताकि आज दिन जो है सोमवार का है और कल हमारे पास गाय आना भी है 3 गाड़ी, ठीक है, कल के दिन मंगलवार को, मंगलवार और बुधवार को आता है, अब किसी भी दिन आ सकता है, फ़ोन करके किसी भी दिन कोई भी आ सकता है, अब तो हमारे पास जो है रोज़ गाय देखने को मिलेंगी, बराबर देखने को मिलेंगी, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा गाय देखना है तो आप मंगलवार को ही आएँ, मंगलवार को जो है जब आएंगे तो आपको बहुत सारी गाय देखने को मिलेंगी एक साथ। हाँ, मेंटेन जो है रहेंगी ज़्यादा गाय, क्योंकि मंगलवार के पहले की भी गाय मिलेंगी आपको कुछ 8-10 गाय, और मंगलवार को आई हुई गाय भी रहेंगी, तो उसमें आपको आसानी रहेगा। तो देख सकते हैं काफ़ी सुंदर सुंदर बछड़ी हैं, जो कान हैं इनके ये भी देखें काफ़ी बढ़िया, नीचे कान नीचे मिल जाएगा, मेरे कान पूरा जुड़ जाएगा, कान तो बहुत बड़ा है, पूरा एक हाथ का कान है, बहुत भारी कान है, सींग ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा, ये तो क्वालिटी की बछड़ी हैं दोनों।
चलो। तो अभी ऐसी मछलियाँ? हाँ, बराबर ऐसी बराबर मिलती रहेंगी, इनसे भी बेहतर करेंगे। तो क्वालिटी बढ़ाना? क्वालिटी तो बढ़ती जा रही है। अब देखिए, ऐसी मछलियाँ जो है अभी तक फार्म पे नहीं आई हैं, ये जो टॉप क्वालिटी की मछलियाँ हैं दोनों। हाँ, गाय भी अब तो हर नस्ल में क्वालिटी बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे जिस चीज़ में जो भी जाता है, वो हम हो चाहे कोई भी डेयरी फार्म वाला हो या कोई किसान भी हो, उसको जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे बेहतर देखता जाएगा और बेहतर करता जाएगा। कोई भी जब कोई चीज़ में काम कर रहा है तो उसका एक्सपीरियंस बढ़ता है और नई चीज़ें देखने को मिलती हैं, फिर वो उसका हिम्मत भी बढ़ता है, उसको लगता है कि नहीं, हमारे पास ऐसा कस्टमर मिल जाएगा, अच्छी चीज़ है, अच्छा कस्टमर भी मिलने लगता है, तो अच्छी चीज़ बढ़ाने लगता है। और अच्छा, बच्चियों की डिमांड रहती है? बच्चियों की डिमांड इस बार हाँ काफ़ी ज़्यादा जो है रही, और इसी डिमांड पर ही हम बच्चियाँ लाए हैं और आगे भी लाएँगे, और बच्चियाँ भी हर गाड़ी में तो बच्चियाँ आना ही है, क्योंकि सभी बच्चियों की गाड़ी तो नहीं उतर सकती है, लेकिन अगर जो जाल कम्प्लीट हो जाता है जल्दी से जल्दी, तो हम हर गाड़ी में बिछड़ी लाएंगे और स्टाफ लगता जाएंगे, स्टाफ होती रहेंगी, बिकती भी रहेंगी। फिलहाल तो ऐसे तो अब चलेगा काम, गिर पे जो है बराबर निरंतर चलेगा, क्योंकि इधर हमारे जो लोग काम करने वाले हैं, जो गाय खरीदवाते हैं हमें वहाँ पे, वो भी सोच रहे थे कि इनके घर शादी है और इधर थोड़ा हो सकता गाय देखें, हम दौड़े और गाय ना ले जाएँ। अब उनको भी लगा कि फ्री हो गए पूरी तरह, तो अभी जो है गाय बराबर निकाल रहे हैं, बता भी रहे हैं, बराबर मैसेज फ़ोन वीडियोज आ रहे हैं और हम जाके खुद देख के पसंद करके गाय ला रहे हैं। इधर गिर में भी गए और साहिवाल में तो, और क्रॉस ब्रीड में बराबर साथ में ही आते हैं हम गाड़ियों के। तो इतनी बढ़िया बढ़िया बछड़ियाँ दिखाने के लिए नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी किसान भाइयों को, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आज सुबह के समय, काफ़ी सुबह के समय आए और फार्म पे, और उन भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद जो बराबर निरंतर सारे वीडियोज देख रहे हैं, सभी वीडियो के माध्यम से हौसला बढ़ा रहे हैं हमारा कि अच्छी अच्छी गाय ला रहे हैं। इसके लिए जब क्या हो कि मनोबल बढ़ता है, हिम्मत बढ़ती है, लोगों का जो प्यार मिलता है उससे भी जो है, देखिए पैसे के लिए तो सभी काम करते हैं, कोई बगैर पैसे के काम नहीं करता है, सभी चाहते हैं कि दो पैसे का फ़ायदा हो, नुकसान के लिए कौन काम करता है बिजनेस में, लेकिन थोड़ा जब लोग उसमें हौसला बढ़ाया जाता है, पसंद करते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है कि नहीं जो है ऐसा लोग पसंद कर रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं, तो उसमें भी बहुत अच्छा मन लगता है उसमें काम करने में, कोई भी काम हो। अब दिन का दिन निरंतर तो सुबह से लेकर शाम तक गायों में ही गुजरता है हमारा, और उनसे संबंधित ही लोग जो है अधिकतर बैठते हैं। हाँ, डेयरी पे रहता है, अब ये दो दिन तीन दिन बाहर रहते हैं, सप्ताह में तीन दिन बाहर रहते हैं, बाकी डेयरी पे रहते हैं। हाँ, गायों के लिए, गायों के लिए और उन्हीं से संबंधित सभी कार्य, उनसे संबंधित लोग बैठते हैं, जिनको इनसे प्रेम होता है, उनसे लगाव होता है, पशुपालक हैं या उनसे संपर्क में रहने वाले लोग जो है अधिकतर जो है फार्म पर आया करते हैं, बैठा करते हैं, जानकारियाँ कुछ लेते भी हैं, जानकारियाँ कुछ देते भी हैं। जो बड़े लोग हैं, हमसे उम्र में बड़े हैं या पुराना काम कर रहे हैं, तो उनका भी हम लोग जो है बात सुनते हैं, उनसे तजुर्बा मिलता भी है। तो सभी चीज़ें तो जो है नहीं, मतलब जो है हमें इस चीज़ की जानकारी थी, लेकिन अब लोगों के पास बैठने से कोई क्या बताता है, कोई क्या बताता है, इससे जो है तजुर्बा बढ़ के जो है काफ़ी ज़्यादा जो है जानकारियाँ हासिल होती हैं, और लोग ऐसा करना भी चाहिए जो है उन लोगों के पास, उनसे उनकी बात को सुनना चाहिए जो लोग बराबर इस चीज़ को कर रहे हैं, एक्सपीरियंस वाले, कुछ ना कुछ तो ज़रूर वो देके जाएंगे, बताएंगे, उनसे ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा। तो आगे भी ऐसी बछड़ियाँ? हाँ बिल्कुल, मिलती रहेंगी, या ऐसी क्या, इसे अच्छी ही कोशिश करेंगे और इससे अच्छी मिलेंगी। तो ठीक है दोस्तों, हम भी आप लोग को ऐसी बछड़ियाँ गाय यहाँ से आगे दिखाते रहेंगे, तो आप लोग भी बताइएगा आप लोग को ये बछड़ियाँ कैसी लगी, तो आगे भी हम आप लोग के लिए ऐसी वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी भाइयों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।